सुप्रभात विद्यार्थियों। तो इसके पहले के वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा। इस वीडियो में हम विद्यार्थी शब्द भंडार में सर्वरूपी भिन्नार्थक शब्द, सर्वरूपी भिन्नार्थक शब्द कि ये सुनने में एक समान जैसे लगे पर उसके अर्थ जो है वो भिन्न हो, उसको कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कि जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान, जिसके लेखन में हर्ष और दीर्घ की मात्रा जैसा कम ही अंतर, किसी में आ की मात्रा लग हर्ष और किसी में दीर्घ की मात्रा लगी, जैसे अवधि अवधि इसमें हस्व है और इसमें दीर्घ, कम ही अंतर हो परंतु उनका अर्थ सर्वथा भिन्न होता है, परंतु उनका अर्थ जो है हमेशा भिन्न होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण यहाँ आपकी पाठ पुस्तक में और भी उदाहरण दिए हैं, हम यहाँ कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे अचल और अचला दोनों में क्या अंतर है? आपकी मात्रा का अंतर। अचल, अचल मतलब पहाड़, अचल का अर्थ होता है पहाड़ पर्वत, और अचला अर्थात उसको कहेंगे पृथ्वी धारा, तो अचल का अर्थ होता है पहाड़ और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अनल और अनिल दोनों में ई की मात्रा का अंतर है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा, अनल, अनल का अर्थ होता है आग, परंतु आपने अनिल कह दिया तो वह हो जाएगा हवा, तो लिखने में सिर्फ ई की मात्रा का अंतर है परंतु दोनों के अर्थ में कितना अंतर देखने को मिलता है, एक का अर्थ होता है आग और दूसरे का अर्थ होता है हवा। अवधि और अवधि, अवध समय, आपके परस्पर की अवधि 3 घंटे की है, तो अवध मतलब समय, समय से 3 घंटे में आपको पूरा करना, आपकी मातृभाषा अवधि है तो अवध की एक भाषा, उत्तर प्रदेश या अवध प्रदेश या अवध्या के रहने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा को अवधि भाषा कहा गया था, जिसमें रामचरित भारत तुलसी द्वारा लिखित जो रामायण है वह भी अवधि भाषा में ही लिखा हुआ। अंक, अंक का अर्थ होता है गोद, माँ ने बच्चे को अंक में भर लिया अर्थात गोद में उठा लिया, अंग उसका अंग अंग जो है हष्ट पुष्ट है, उसका हर अंग जो है हष्ट पुष्ट है, तो अंग का अर्थ होता है शरीर का भाग। तो अंक और अंग का थोड़ी सी ध्वनि में परिवर्तन है परंतु अर्थ में अंतर देखने को मिलता है। यहां देखिए अंश और अंश, अंश मतलब भाग और अंश मतलब कथा, तो नाटक का अंश समाप्त हुआ तो वह एक भाग समाप्त हुआ, एपिसोड जिसको आप कहते हैं। दूसरा देखिए अनु मतलब पीछे, जैसे संस्कृत में अनुगच्छति पीछे पीछे जाती, तो अनु शब्द का अर्थ जो है वो पीछे होता है। अणु, अणु मतलब होता है कण, अणु का अर्थ होता है कण। दूसरा है अतल और अतुल, अतल का अर्थ होता है गहरा, अतल का अर्थ क्या होता है गहरा, अतुल का अर्थ होता है काफी बड़ा। इस प्रकार विद्यार्थी आपके पाठ पुस्तकों में शब्दों की सूची दी हुई है, आप इसको नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो शब्दों को आप समझ पाएंगे। तो विद्यार्थी आज हमने शब्द भंडार के विभिन्न रूपों को पढ़ा, उसमें पर्यायवाची भी पढ़ा, विलोम भी पढ़ा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ा, अनेकार्थी शब्द भी पढ़े, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द को भी देखा। पाठ में संबंधित शब्दों को आप पढ़ते रहेंगे, जिस भी शब्द में आपको दिक्कत हो लाइव क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे, पाठ से संबंधित जो अभ्यास कर रहे हैं वो आपको बाद में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।